the Lord. My Pastor Simon Cameron, Co-Chairman, Temple of God Ministries and Principal, TOG Theological Institute. आपका Rejoicing Time live with Reverend Dr. Wilson Cameron में welcome कहता हूँ. आज Reverend Dr. Wilson Cameron ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया. Welcome to the show, sir. Thank you, Pastor. नाज़रीन, जैसा कि आप systematic theology और theology proper के वाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 186 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं. मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी और आज की टीचिंग होगी यहोवा एल शदाई ऑलमाइटी गॉड, यहोवा एल शदाई खुदाए कादर. आज की टीचिंग के वाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे. पहला क्वेश्चन होगा थियोलॉजी प्रॉपर में पेट्रोलॉजी के हवाले से यहोवा एल शदाई यानी खुदाए कादर मुतलिक का मुकाशवा बयान करें और यहोवा नाम और एल शदाई नाम में फर्क बताएं. इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात के मसीह का नाम खुदाए कादर है और क्लीसिया में रूल कुदस किस तरह इस नाम में क्लीसिया को बरकत देता है. रूहानी तालीमी चार्ट. नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट की क्लिप को देखा. अब आप अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे. थैंक यू पाई सेवन बिलीवर्स टेम्पल गॉड की क्लीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा. पदाइश 17 बाब उसकी पहली दूसरी आयत. जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब खुदा अब्राहम को नजर आया और उसे कहा कि मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा. रूज 6 बाब तीसरी आयत. और मैं अब्राहम और इजहाक और याकूब को खुदाए कादर मुतलिक के तौर पर दिखाई दिया लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ. मुकाशफा 1 बाब 8 आयत. खुदामंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं. आमीन. पर सेवन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और पेट्रोलॉजी के बारे में और आज की टीचिंग यहोवा एल शदाई ऑलमाइटी गॉड, यहोवा एल शदाई दाए कादर मुतलिक. जैसा कि पेट्रोलॉजी के हवाला से हम टीचिंग को देख रहे हैं और नॉलेज ऑफ फादर यानी यहोवा के हवाला से और थियोइज्म में ट्रिनिटी के हवाला से और गॉड द फादर के हवाला से, एलोहिम के हवाला से, एडोनाई के हवाला से, ये सारी जो डॉक्ट्रिन्स खुदा की जात की और उसके नामों की हमने जाना और दीगर नाम भी आइंदा एपिसोड में आते चले जाएंगे ताकि हमें पेट्रोलॉजी के हवाला से, गॉड द फादर के हवाला से, नॉलेज ऑफ फादर यहोवा के हवाला से और क्राइस्ट के हवाला से क्रिस्टोलॉजी में हमें प्रॉपर सारी बाइबल का इल्म हो, इन डॉक्ट्रिन्स की पहचान हो ताकि ठीक खिदमत और ठीक गवाही दे सके और खुदावंद की वर्शिप कर सके. और जैसा कि पेट्रोलॉजी के हवाला से एलोहिम के अंदर से खुदा की जात के बारे में जो खुदा के नाम है उसके ऊपर हमने बात की कि उसका नाम यहोवा है और एक आई एम जिसका दोनों का मतलब होता है एटर्नल वन. और जब एडोनाई के अंदर बात की गई तो यहूदी स्कूल ऑफ थॉट कि वो किस तरीके से यहोवा लिखते और पुकारते एडोनाई थे जिसका मतलब लॉर्ड होता और ये वजाहत लास्ट एपिसोड में मैंने की. और आज एल शदाई के हवाला से अहम तालीम दी जाएगी और खुदा की जात का नाम जो एल शदाई है ये खुदा ने अब्राहम से खुद कहा कि आई एम एल शदाई. तो जब खुदा की जात ने यहोवा ने खुद कहा और फिर ये बात हमने नोट करनी है जब हम यहोवा एलोहिम की बात करते हैं तो एलोहिम में खुदा की जात अनदेखी है और जब हम फर्स्ट पर्सन यहोवा की बात करेंगे तो यहोवा एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर फर्स्ट पर्सन में दिखाई देता है और अदन के अंदर आदम हवा का बनाया जाना वो खुदामंद खुदा ने फर्स्ट पर्सन ने ये तकलीफ की और आदम हवा को मिट्टी से बनाया. और यहां भी
जब हमने सत्रह बाब पैदाइश में पढ़ा तो लिखा है कि खुदामंद खुदा अब्राहम को दिखाई दिया, तो खुदा अनदेखा, वो तो देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो स्पिरिट बीइंग है। जब स्पिरिट बीइंग में हम एलोहिम में बात करते हैं, ट्रेवन गॉड में बात करते हैं, तो फादर सन होली स्पिरिट जो एलोहिम के अंदर है, खुदा की जात है, अनदेखा खुदा है। जब फर्स्ट पर्सन के अंदर हम यहोवा को देखेंगे तो यहोवा बाप फर्स्ट पर्सन के अंदर एंजल फ्लॉड के अंदर अपीयर होता है, और खुदा का बेटा जो कलाम स्पिरिट बीइंग अजल से खुदा की जात के अंदर तजस्सम के अंदर वो आया और उसने इंसानी रूप इख्तियार किया। इसी तरह होली स्पिरिट डब में फर्स्ट अकनोम और सेकंड और थर्ड अकनोम, तो ट्रिनिटी की बाबत ये हम साथ साथ सीखते चले जाएं। जब यहां पर सत्रह बाब के अंदर यहोवा अपना इजहार कर रहा है तो ये एल शडाई नाम में जाहिर हो रहा है, और खुद यहोवा ने आकर कहा, खुदावंद ने आकर कहा, तो जब दिखाई दिया और कहा कि मैं खुदाए कादर हूं, यानी मैं एल शडाई, तो हिब्रू में एल शडाई वर्ड आया है और इंग्लिश में ऑल माइटी गॉड आया है। तो हमें ये सारे मीनिंग पता होने चाहिए कि क्या खुदा ने अपने नाम का इजहार किया। और पहले क्वेश्चन में ये भी जो सवाल पास्टर साहब ने पूछा कि यहोवा और एल शडाई नामों के अंदर फर्क भी, तो यहोवा के अंदर हम ये जान चुके हैं कि खुदा की जात जो एलोहिम है उसका नाम यहोवा है, यावे है, आई एम है, तो ये दोनों ही नाम है, इसके अलावा दीगर बेशुमार नाम है। पर यहां पर जो गौर करने वाली बात है कि यहोवा ने खुद आकर दिखाई दिया और कहा कि मैं एल शडाई खुदा हूं, यानी अपना नाम बताया कि मैं एल शडाई। पर जब हम एलोहिम के अंदर देखते हैं तो खुदा की जात के अंदर यहोवा ने कहा यहोवा मेरा नाम है और आई एम, पर यहां पर वो अब्राहम को जब दिखाई दिया है तो ये एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर, ये फर्स्ट पर्सन के अंदर दिखाई दिया है। जब हम खुदा की जात एलोहिम की बात करेंगे जिसमें ट्रेन गॉड है, फादर सन होली स्पिरिट है, तो वो यहोवा खुदा का नाम है और आई एम। जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो यहोवा फर्स्ट पर्सन के अंदर जब जाहिर होता है तो एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर वो दिखाई देता है। जब दिखाई दे तो वहां पर वो अपना एट्रीब्यूट, अपनी नेचर, उस इवेंट के मुताबिक, उस वादे के मुताबिक अपने नाम का इजहार करता है। तो यहां पर जो अब्राहम को दिखाई दिया है तो इसके ऊपर खुदा की जात ने, यहोवा ने फर्स्ट पर्सन में अपना नाम जो बताया है ये दिखाई देकर, तो जब दिखाई दिया है तो ये एंजल फ्लॉट के अंदर दिखाई दिया और कहा कि मेरा नाम एल शडाई, यानी खुदाए कादर। तो जब खुदाए कादर कहा गया तो खुदाए कादर का जो हिब्रू में आएगा ये एल शडाई, यानी खुदाए कादर मुतलिक, और इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन आई है वो ऑल माइटी गॉड है। मगर जब हम हिब्रू के अंदर इसका एल शडाई का मानी देखते हैं तो इसमें और बेशुमार मीनिंग है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। और जब एल शडाई की बात आती है तो ई एल एल का मतलब खुदा है, और जब शडाई का मतलब आएगा तो इब्रानी में शाद का मतलब होता है ब्रेस्ट, छाती, और जब डाय वर्ड आगे आएगा यानी शडाई आगे डाय वर्ड है, ये मोर देन अनफ के अंदर आएगा, तो ये सफिशिएंट के अंदर आएगा, यानी काफी होना, कसर। फिर शडाई का मतलब माउंटेन के भी अंदर आता है, पहाड़ के अंदर भी आता है, फिर जो शडाई का मतलब एवरलास्टिंग के अंदर भी आता है और माइटी के अंदर भी आता है। तो ये सारे मीनिंग जो हमें पता होने चाहिए, पर जो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो इंग्लिश तर्जमे में आया है एल शडाई का मतलब, वो ऑल माइटी गॉड के अंदर आया है, और उर्दू के अंदर खुदाए कादर या खुदाए कादर मुतलिक आया है। तो हमें खुदाए कादर मुतलिक को जानना है और हवाला जात के अंदर, पर जो एल शडाई के दीगर मानी है उसके अंदर हम जो ठीक जो एल शडाई का मतलब है उसके अंदर बाइबल के अंदर तालीम को देकर है, दूसरे मानी जो आते हैं उनके अंदर भी हम एल शडाई यानी ऑल माइटी गॉड खुदाए कादर के मानी को देख सकते हैं। तो जब यहोवा ने खुद आकर ये कहा मैं खुदाए कादर हूं, ये अब्राहम से कहा और दिखाई देकर कहा, यानी ऑल माइटी गॉड हूं, कादर मुतलिक खुदा हूं, एल शडाई खुदा हूं, तो जब खुद कह रहा है तो उसने यहोवा भी तो खुद कहा कि मेरा नाम यहोवा है, और उसने ये भी कहा कि मेरा नाम आई एम है। पर वो हम एलोहिम के अंदर लेंगे, जब फर्स्ट पर्सन के अंदर एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर
दिखाई देगा ये हवा, तो ये फर्स्ट अक्लोम की बात हो रही है। और जब हम 15वें बाब पैदाइश में पढ़ते हैं तो वहां पर अब्राहम से हम कलाम हुआ और उसे कहा कि इन सितारों को गिन सकता है जो हेमन के अंदर है, गिन। तो वहां पर अब्राहम के हवाला से लिखा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। इससे पहले अब्राहम ने कहा कि तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, पर फिर खुदा ने जब प्रॉमिस किया तो लिखा है अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी शुमार किया गया। तो ईमान लाना वर्ड ऑफ गॉड पर, खुदा की बात के ऊपर, ये राइटनेस के अंदर आता है। फिर कोविनेंट भी बांधा गया कि मैं तेरी नस्ल को एक मुल्क दूंगा जिसमें वो सेक्रीफाइस भी लेके आता है। और फिर 400 की गुलामी के हवाला से वो टाइम पीरियड भी बताया जाता है। पर 17 बाब के अंदर जब खुदा यहोवा जाहिर होता है तो लिखा अब्राहम को दिखाई दिया, पहले उसे हम कलाम हुआ और रोया में उसे बात की, पर अब यहां पर जो बात हो रही है उसको दिखाई दिया। तो जब दिखाई दिया तो ये फर्स्ट अक्लूम एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर, और कहा कि मैं एल शड्डाई खुदा हूं, यानी अब ने फर्स्ट अक्लूम के अंदर अपने नाम को ये बताया है। तो हम यहोवा का जो मानी है और आई एम का मानी है वो इटर्नल वन में लेते हैं, पर जब यहां कहा गया एल शड्डाई में तो ये अब्राहम के साथ कोविनेंट बांधा गया है। और ये कोविनेंट जब बांधा गया तो लिखा मैं तुझे बहुत बरुमंद करूंगा, कौमों का बाप ठहराऊंगा, और उसका नाम भी इसी चैप्टर के अंदर बदला गया कि ठहराम अब्राहम नहीं होगा बल्कि अब्राहम होगा। और यहां पर कोविनेंट के साथ जो सर्कमसीजन का निशान भी दिया गया। तो ये सारी बातें ये 17 बाब के अंदर आती हैं, और इसके अंदर जो बात कही गई है कि मैं तुझे बहुत बरुमंद करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो हम सफिशिएंट के अंदर ये बात देखते हैं, एल शड्डाई खुदा यानी हु मोर देन एनफ। जब हम मोर देन एनफ की बात करते हैं तो ये सफिशिएंट जो बात होती है, काफी होना यानी किसी चीज का काफी दे देना, ब्लेसिंग दे देना, कि सफिशिएंट यानी काफी है, या मोर देन एनफ है। और इसमें कसरत की बात भी आती है, यानी खुदा ऑल माइटी गॉड यानी एल शड्डाई खुदा जब बरकत देने की बात अब्राहम से करता है तो वो उसके साथ एल शड्डाई नाम के तौर पर जाहिर होता है कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत बरकत दूंगा। पैटर्निटी ब्लेसिंग है जो अब्राहम को दी जा रही है कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, कौमों का तू बाप कहलाएगा, बादशाह तेरे सुल्क से पैदा होंगे। तो ये याद रखिए अब्राहम से भी यही ब्लेसिंग दी गई, इजहाक को भी, याकूब को भी। तो ये एक नेशन बनाने के लिए इन तीनों जो बुजुर्गों की बात आती है। तो पैदाइश के अंदर जब हम अब्राहम के हवाला से पढ़ रहे हैं, इसकी डिटेल मैं और आगे बताऊंगा, और जब इजहाक के हवाला से बात करते हैं तो वो भी ऑल माइटी गॉड का एल शड्डाई खुदा को जानता है, और याकूब भी एल शड्डाई खुदा को जानता है। और जो छठा बाब खरूज का मैंने हवाला पढ़ा तो वहां पर यहोवा खुद मूसा से कहता है कि मैं अब्राहम के ऊपर, इजहाक के ऊपर, याकूब के ऊपर कादे मुतलिक के तौर पर जाहिर हुआ, मैं यहोवा नाम पर जाहिर नहीं हुआ। तो ये एक फर्क हमें पता चलता है कि मूसा के ऊपर यहोवा नाम के तौर पर वो जाहिर होता है, वो सारी नेचर उसके अंदर, पर जब वो अब्राहम से, इजहाक से, याकूब से बात करता है तो एल शड्डाई के अंदर, फर्टिलिटी ब्लेसिंग के अंदर वो बात करता है, यानी बढ़ोतरी के अंदर, कसरत के अंदर, बरकत के अंदर, ताकि ये घराना जो है ये बड़े बरकत पाए और एक नेशन वकूक के अंदर आए। और उसका नाम भी चेंज किया गया और उसको कहा कि तेरा नाम अब अब्राहम नहीं बल्कि अब्राहम, यानी फादर ऑफ नेशन। तो ये फर्टिलिटी ब्लेसिंग के अंदर बात की गई है, ये एल शड्डाई के अंदर बात की गई है, यानी शड्डाई का मतलब जो ब्लेस के अंदर आता है, और सफिशिएंट के अंदर आता है यानी फर्टिलिटी ब्लेसिंग के अंदर आता है। मगर ये माउंटेन के अंदर भी शड्डाई का मतलब आता है, यानी यहोवा कोई सीना के ऊपर, और कौमे उसे पहाड़ी खुदा कहती थी, यानी इसका यह मतलब भी होता था कि जो इर्द गिर्द के माबूद थे, खुदा यहोवा खुदा एल शड्डाई खुदा जो इस पहाड़ को सीना पर जिसने हुक्म दिए हैं, कमांडमेंट दिए हैं, वो सबसे जोरावर है, वो ऑलमाइटी गॉड है, यानी खुदा एक कादर है। इस मानी के अंदर भी ये बात आती है, और एवरलास्टिंग के मानी के अंदर भी बात आती है, जो मैं क्रिस्टोलॉजी के अंदर दूसरे सवाल में बयान करूंगा। और इसके अलावा जब हम
माइटी कहते हैं, ऑल माइटी कहते हैं, तो ये जोर, ये कुवत कुदरत, इसका मतलब है खुदाए कादर, ये ओमनीपोटेंट के अंदर आता है, यानी वो अनलिमिटेड पावर है। तो वो खुदाए कादर, ओमनीपोटेंट, और इसको हम स्ट्रॉन्ग वन कहेंगे या पावरफुल गॉड कहेंगे। तो एल शडाई का जब ऑलमाइटी गॉड के अंदर मानी आ रहा है, जब हम खुदाए कादर कहेंगे या कादर मुतलिक कहेंगे, तो इसका मतलब है पावरफुल गॉड। और ये अब्राहम के साथ कोविनेंट बांधा जा रहा है और ऊर के मुल्क से निकाल के लाया उस इलाके से, तो तुझे मैं बरुमंद करूंगा। तो जब हम बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़ते हैं अब्राहम, इसहाक, यकूब की, तो ये वादे उनसे किए गए हैं और ये नस्ल के तौर पर वादे किए गए हैं, मैं तुझे बरुमंद करूंगा, कौमों का बाप बनाऊंगा। तो इसराइल वकू के अंदर आते हैं, तो ये एल शडाई के माने के अंदर, और शडाई का माने जैसे मैंने बेस्ट के अंदर बताया है, जब ये कस्से से बरकत की बात की है, तो गोया यहवा खुदा एल शडाई के तौर पर वो परवरिश करता है अब्राहम, इसहाक, यकूब की, ताकि वो बहुत बढ़ जाए। तो ये माने जो हमें हिब्रू में जो शडाई का मतलब आता है, इसको हमें बखूबी पता होना चाहिए, और बाइबल मुकद्दस के अंदर आता, और गैर कौमें भी कहती थी उनका खुदा पहाड़ी खुदा है जो कोई सीना से उनको हुक्म देता था। तो ये भी मानी है, पर जो ज्यादा मानी पैदाइश की किताब के अंदर आए हैं एल शडाई के, वो फर्टिलिटी ब्लेसिंग के हवाला से आए हैं, यानी अब्राहम, इसहाक, यकूब को नस्लों की बरकत दी गई कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बादशाह तेरे सुल्ब से पैदा होगे, कौमों का बाप तो होगा, और उसका नाम अब्राहम से अब्राहम रखा गया है, यानी फादर ऑफ नेशन। तो ये एल शडाई के मीनिंग के अंदर जो फर्टिलिटी ब्लेसिंग के अंदर आता है, जो शडाई जो मतलब ब्लेस के अंदर आता है, प्रवेश करने के अंदर आता है, और अब्राहम, इसहाक, यकूब के हवाला से मूसा को यही यहोवा ने कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक, यकूब इन तीनों के ऊपर कादर मुतलिक के तौर पर, यानी एल शडाई के तौर पर जाहिर हुआ हूं, और ये बरकत के माने के अंदर आता है कि मैं इनके लिए काफी हूं, सफिशियंट हूं, यानी इतना बरकत देने वाला, बरुमंद करने वाला। और जब आप बाइबल मुकद्दस के अंदर जब सारा से बात होती है, और सारा को कहा जाता है कि वो मोइन वक्त के ऊपर जो फिर आएगा और इसहाक पैदा होगा उसके हवाला से कि उसके बेटा होगा, तो सारा ने अपने दिल में कहा कि ये कैसे होगा, तो यहोवा एल शडाई ने जो आगे जवाब दिया कि खुदामंद के लिए क्या कोई बात मुश्किल है, तो इसका मतलब यही है कि वो एल शडाई खुदा है, उसके लिए कोई बात मुश्किल नहीं है, वो खुदाए कादिर है। और फिर जब हम रूमियो चौथे बाब के अंदर पढ़ते हैं, तो पौलुस रसूल वहां पर अब्राहम और सारा दोनों का जिक्र करता है कि अब्राहम जो 99 का था, तकरीबन 100 साल का, और सारा 90 साल की थी, जब वो अब्राहम ईमान ले आता है एल शडाई खुदा के ऊपर, उसके वादों के ऊपर, तो पौलुस रसूल जिक्र करता है कि वो ईमान में ज़ईफ ना हुए, बल्कि शुक्रगुजारी की, तमजीद की। सारा के हवाला से लिखा है कि वो ईमान लाई, यानी पहले तो वो ये सोचती थी कि कैसे मुमकिन होगा, और एल शडाई खुदा पर ईमान लाने से वो ये जान गई कि वो कादर मुतलिक है, ऑलमाइटी गॉड है, एल शडाई खुदा है। और लिखा है कि उसके हवाले से पौलुस कहता है कि वो ईमान लाई कि खुदा अपने काम को पूरा करने पर कादिर है, वो कादर मुतलिक है, वो काम पूरा करता है। और ऐसा ही हुआ, अब्राहम सारा से इसहाक पैदा हुआ, और अब्राहम के साथ एक और बात कही गई कि तू चल और कामिल हो। तो ये मुकाशवा एल शडाई के अंदर जो हमें मिलता है ऑलमाइटी गॉड के अंदर, कि खुदा जो कसरत का खुदा है, जो मोर देन अनफ है, जो मीनिंग एल शडाई का है, सफिशियंट के अंदर आता है, फर्टिलिटी ब्लेसिंग के अंदर आता है, और इसके अंदर वो अब्राहम, इसहाक, यकूब को बरकत देता है, और उसका नाम अब्राहम रखा गया, फादर ऑफ नेशन रखा गया, और लिखा के बरुमंद होगा, कौमों का बाप होगा, बादशाह तेरे सुल्ब से पैदा होंगे, और सर्कमसिजन खतना का निशान दिया। ऊपर जब कहा गया चल और कामिल हो, यानी एल शडाई जो कादर मुतलिक है, खुदाए कादिर है, जो ऑलमाइटी गॉड है, सब चीजों पे कादिर है, ओमनी पोटेंट है, अनलिमिटेड पावर है, पावरफुल गॉड है, स्ट्रॉन्ग वन है, वो ये कहता है चल और कामिल हो, यानी मैं तुझे
परफेक्ट करूंगा। और कामलियत का मतलब ये होलीनेस के अंदर भी आता है, यानी परफेक्शन दूंगा, यानी मेरे साथ चल। तो जब वो मेसोपोटामिया से निकला और खुदा उससे बात की, वो 75 साल का था। अब देखिए 99 ईयर्स के अंदर वो चल रहा है, मगर तो भी अब दिखाई देकर कहा कि मैं एल शडाई यानी कादर मुतलिक हूं, मैं तुझे परफेक्ट करूंगा, होली करूंगा। और सर्कमसिजन जो ये होलीनेस के लिए ये निशान दिया गया, और उसी दिन उन्होंने अपने सब लोगों का जो है सर्कमसिजन किया अब्राहम ने। और आगे चलकर फिर जब इजहाक पैदा होता है तो ये रस्म चलती रहती है। तो ये निशान दिया गया है, और ये मैंने जैसे बताया है कि वो एल शडाई के माने के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये कसर से बरकत बरमंद होने के हवाला से, परविश के हवाला से है, ब्रेस के हवाला से है, कसरत फीड करने के हवाला से है। यानी यहोवा एल शडाई जब कहेंगे, खुदा कसर से बरकत देता है, वो काफी है हमारे लिए, सफिशियंट है। वो कसर से बरकत देना जानता है, सब चीजों पे कादर है, अनलिमिटेड पावर रखता है, ऑलमाइटी गॉड। इसलिए ये तर्जमा आया है कि वो जोरावर खुदा है। तो जब हम यहोवा और फिर एडोनाई के हवाला से, आयाम के हवाला से बात करते हैं, तो मगर जब यहां पर एल शडाई के हवाला से खुद यहोवा ने आकर फर्स्ट पर्सन में अपना नाम बताया है, तो ये बरकत के माने के अंदर आया, ब्लेसिंग के माने के अंदर आया। और अब्राहम इसहाक याकूब को कादर मुतलिक के तौर पर, वो ऑलमाइटी गॉड के तौर पर, एल शडाई के तौर पर जाहिर होता है। और अब्राहम के हवाला से जो मैंने तफसील बताई, जब इसहाक की बात आती है तो इसहाक के हवाला से पैदाइश 28वें बाब के अंदर जब वो याकूब को ब्लेस करता है और याकूब जाता अपने मामू लाबान के घर में, तो इसहाक उसे यही बात करता है कि खुदाए कादर मुतलिक तुझे बरमंद करे, बरकत दे। तो इसहाक भी जो है ऑलमाइटी गॉड एल शडाई खुदा को जानता है, जो उसने अब्राहम से तालीम पाई कि उसने ये वादा किया है, इस नाम के अंदर उसने बरकत दी है। फिर जब याकूब के हवाले से हम बरकत देखते हैं, तो जब याकूब को नाम, याकूब का नाम बदलकर इसराइल रखा गया, तो 35वें बाब पैदाइश के अंदर यह बात आई है कि खुदा एल शडाई के तौर पर यानी कादर मुतलिक के तौर पर उसके ऊपर जाहिर होता और उसको बरकत देता है। यानी जब नाम उसका इसराइल रखा गया तो यह कहा कि मैं खुदाए कादर हूं, खुदाए कादर मुतलिक हूं। यानी याकूब के ऊपर भी कादर मुतलिक के तौर पर जाहिर हुआ, इसहाक को भी इसी नाम का एक्सपीरियंस था, और अब्राहम के ऊपर भी। और यही यहोवा खुद खरूज 6 बाब में कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन तीनों के ऊपर कादर मुतलिक के तौर पर जाहिर हुआ हूं, यहोवा के तौर पर नहीं। तो यहोवा का मानी जो है वो एलोहिम की जात के अंदर, एंड गॉड के अंदर, फादर सन होली स्पिरिट के अंदर, यानी एलोहिम का नाम यहोवा है, आया है। जब वो अब्राहम के ऊपर जाहिर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन के अंदर एल शडाई खुदा के अंदर जाहिर हो रहा है। तो यावे एल शडाई जब हम कहते हैं तो ये ऑलमाइटी गॉड यहोवा कादर मुतलिक के तौर पर, और कादर मुतलिक यानी खुदाए कादर। और रूमियों 4 बाब के अंदर यही बात जो पलुस लिखता है कि जो चीजें नहीं है, अब्राहम ईमान लाया कि जो चीजें नहीं है वो इस तरह बुला लेता गोया वो है, क्योंकि वो ऑलमाइटी गॉड है, सब चीजों पे कादर है, ओमनीपोटेंट है, अनलिमिटेड पावर रखता है और स्ट्रॉन्ग वन है। तो ये सारा जो मीनिंग हमें एल शडाई के माने के अंदर आता है, मगर इंग्लिश मानी ऑलमाइटी गॉड है। ऑलमाइटी गॉड के अंदर ये बरमन फर्टिलिटी ब्लेसिंग के अंदर जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के माने के अंदर आता है। और जब हम क्रिस्टोलॉजी के अंदर बात करेंगे तो वहां पर एल शडाई एवरलास्टिंग के माने के अंदर आता है, वो मैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर बात करूंगा। और यहां पर जब ऑलमाइटी गॉड कहा गया है तो यानी खुदा कादिर है, अपने कामों को वो पूरा करता है। और ऐसे ही अब्राहम के साथ जो वादा किया था इसहाक उसको दिया गया, वो पूरा करने पे कादिर है, यानी जो कहता है वो होता है, वो हो जाता है, क्योंकि खुदाए कादर का मतलब ही यही है। तो अब्राहम को इसका पता था, इसहाक को भी और याकूब को भी, इसलिए इसराइल नेशन वकू के अंदर आती है, क्योंकि वो एल शडाई यानी यहोवा एल शडाई कादर मुतलिक, खुदाए कादर ऑलमाइटी गॉड के ऊपर ईमान ले आए। इसी तरह आज भी जो ऑलमाइटी गॉड पर ईमान रखता है अपनी जिंदगी में बरकत पाता है कि खुदा कादिर है सब कामों के लिए। और जो इन बातों के मीनिंग नहीं समझते, खुदा की जात की नेचर को नहीं समझते,
पेट्रोलॉजी में यहोवा फर्स्ट पर्सन की नेचर को नहीं समझते, क्राइस्ट के हवाला से तालीम को नहीं समझते, होली स्पिरिट के हवाला से नहीं समझते, तो वो अपनी जिंदगी के अंदर इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उनको इन बातों का एक्सपीरियंस नहीं, समझ नहीं, ईमान का वो लेवल नहीं है। जब हम इब्रानियों 6 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि खुदा ने वादा करते हुए अब्राहम के साथ फिर कसम भी खाई, और दो बेतब्दील चीजों का तब्दील होना नामुमकिन है। यानी खुदा खुदा एक कादर है, वो ऑलमाइटी गॉड है, जो उसने कह दिया और कसम खा ली है उसको पूरा करने पे कादर है। और ये मुकाशवा जो अब्राहम को दिया गया, इसलिए अब्राहम तारीफ करता है और वो कौमों का बाप ठहरा और कौमें उससे पैदा हुई। और गलतियों के खत के अंदर लिखा है कि अब्राहम की नस्ल मसीह ठहरा और मसीह की क्रूसिफिक्शन की वजह से गैर कौमें भी ईमान ले आई, और ये शरीयत से पहले ईमान के सबब से रास्तबाजी अब्राहम को मिलती है और उसमें कौमों का वादा किया गया है। यानी सारी दुनिया की नेशन के लिए अब्राहम निशान है, और सर्कमसिजन जो ये होलीनेस के हवाला से था, पाकीजगी के हवाला से था, इसीलिए लिखा चल और कामिल हो, यानी परफेक्ट हो, होली हो। खुदावंद उनको खुदाई कादर के तौर पर बरकत देता है जो चलते हैं और कामिलियत की तरफ बढ़ते हैं, कामिल होते हैं, परफेक्ट होते हैं, नकम्मापन अधूरापन अपनी जिंदगियों से दूर करते हैं। तो जब खुदा पहली दफा मिला उस वक्त अब्राहम 75 साल का था, जब 99 का यानी 25 साल बाद 99 एज में उसको दिखाई दिया, चल कामिल हो, यानी ये रोज खुदा के साथ चलना, ये रोजाना खुदा के साथ चलना, उसकी शुक्रगुजारी करना, तमजीद करना, ईमान में कायम रहना, और खुदा की जात को कादर मुतलिक के तौर पर उसको बताया गया है। हालांकि आगे चलकर बेशमार और यहोवा के नाम आते हैं, वो भी जो नाम रखेंगे उसके अंदर भी हम मुकाशफा देखेंगे। तो हमें पेट्रोलॉजी के अंदर यहोवा के हवाला से जब हम एलोहिम के अंदर बात करते हैं कि उसका नाम यहोवा है, आया मैं, उसका भरपूर इदराक हो, मुकाशफा हो, और जब हम फर्स्ट पर्सन यहोवा की बात करते हैं, एंजल ऑफ लॉर्ड में वो अब्राहम को दिखाई दे रहा है और खुद कहा कि वो खुदाए कादर है, यानी एल शदाई खुदा है, यानी अब्राहम के ऊपर उसको बरकत देने के लिए, बरमंद करने के लिए उसने अपना नाम का इजहार एल शदाई में किया, यानी यहवे एल शदाई, यहवा एल शदाई, यानी यहवा ऑलमाइटी गॉड, खुदावंद कादर मुतलिक। तो खुदावंद कादर मुतलिक ऑलमाइटी गॉड के अंदर ये भरपूर बिलीवर्स टेम्पल गॉड क्रिश्चियन बाइबल स्टूडेंट हमारे पास ये मुकाशवा अयां हो कि हम खुदाए कादर मुतलिक को जानते हैं, ओमनीपोटेंट गॉड को जानते हैं, ऑलमाइटी गॉड को जानते हैं, जो बरकत देता है, जो बरमंद करता है, वो सबसे बड़ा है, सब चीजों पर कादिर है। और अब्राहम, इजहाक, यकूब ने इसका तजर्बा किया और उनको बरकत दी, और अब्राहम की बरकत इजहाक के अंदर, इजहाक की बरकत फिर यकूब, और यकूब की बरकत उसके बच्चों के अंदर हमें दिखाई देती है, और फिर इसराइल वकूब के अंदर आता है, और जो यकूब का बेटा यहूदा है उससे फिर आगे क्राइस्ट जो है वो नस्ल आती है, और क्राइस्ट से फिर आप देखिए कलीसिया वकूब के अंदर आती है। तो ये ब्लेसिंग कहां तक जाती है, यानी ऑलमाइटी गॉड की ब्लेसिंग। तो हमारे पास जो तालीम यहां पर दी गई है, और जब हम यहोवा का नाम एल शदाई के तौर पर यहां ले रहे हैं, तो इसके अंदर वो सब चीजों पर कादिर है, यानी जो वो कहता है वो पूरा होता है, और अब्राहम सारा ईमान लाए कि वो खुदाए कादिर है, यानी अपने काम को पूरा करता है, काम को पूरा करने पर कादिर है। तो जो जो कुछ ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा ने कहा वो सब कुछ वकूब के अंदर आया, तो यानी अब्राहम, इसहाक, यकूब के हवाले से भी, और फिर प्रोफेसीज के अंदर जब क्राइस्ट के हवाले से प्रोफेसीज की गई वो भी सब चीजें वकूब के अंदर आई है, यानी पदाई से लेके मुकाशवा तक, यानी अजल से अब तक हर चीज के ऊपर खुदा की जात कादिर है, यानी दुनिया का कोई और माबूद कादिर मुतलिक नहीं है, सिर्फ कादिर मुतलिक यहोवा एलोहीम है, वो जो अब्राहम के ऊपर एल शदाई के तौर पर जाहिर हुआ। तो हमें एल शदाई में यहवे यहोवा का नाम एल शदाई के तौर पर हमेशा हमें समझ हो कि वो ऑलमाइटी गॉड है, यानी जो अब्राहम, इसहाक, याकूब को कहा, सारा को कहा, उसी तरह वकूब के अंदर आया और इसहाक पैदा हुआ। और फिर जब ये मसीह के हवाला से बात की गई सैक्रिफाइस के लिए, जब
जमाने के लिए, खुदा ने जमाने के लिए इजहार अब्राहम से कुर्बानी मांगी तो वो ले गया, वहां पर भी कोविनेंट बांध आ गया कि इसे नस्ल कहलाएगी, और वो नस्ल जो है मसीह के हवाले से पौलुस बात करता है, यानी अब्राहम की नस्ल क्राइस्ट, और उसके वसीला से जो कौम वकू के अंदर नजात पा गई, कलीसिया के अंदर उनका वकू आया, और इब्रानियों छठे बाप के अंदर आया है कि हम ईमान और सब्र के बाइस वादों के बारिश होते हैं, जिस तरह अब्राहम ईमान लाया और सब्र करके उसने वादा की हुई चीजों को हासिल किया। तो इजहाक के हवाला से यानी खुदा कादिर है, वो ऑलमाइटी गॉड है, कादिर मुतलिक है। ये मुकाशवा पास साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट, हमें हमेशा पेट्रोलॉजी में लेना है कि यहोवा कादिर है, खुदा कादिर है, कादिर मुतलिक है, ऑलमाइटी गॉड है, एल शडाई खुदा है, यावे एल शडाई जब कहते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है कि हमारी जिंदगियों को भरपूर करता है, बलमंद करता है मसीह में, और जिस तरह उसने अब्राहम से वादा किया वैसे ही पूरा किया, जैसे इजहाक से वैसे ही बरकत दी, जैसे उसने याकूब से कहा वैसे ही बरकत दी। इसीलिए तो ओल्ड टेस्टमेंट में आया, खुदा ने कहा मैं अब्राहम इजहाक याकूब का खुदा हूं, क्योंकि वो ईमान ले आए थे खुदा एल शडाई खुदा के ऊपर, इसलिए बरकत मिली, इसलिए इसराइल नस्ल वकूक के अंदर आई, और हर तरह की बरकत वकूक के अंदर आई। आज भी इसराइल के अंदर जो बरकत है ये वही कोविनेंट है जो एल शडाई खुदा ने अब्राहम इजहाक याकूब से बांधा, यानी वो अहद के मुताबिक चलता है, और एल शडाई पर उनके ईमान की वजह से हर चीज बरकत वकूक के अंदर आती है। तो पेट्रोलॉजी के अंदर जब एल शडाई के हवाला से मैंने मुख्तलिफ मीनिंग भी आपको बताए हैं, और उसका जो मीनिंग लिया गया है ऑलमाइटी गॉड खुदा कादर में, कादर मुतलिक में, ऑलमाइटी गॉड के अंदर, मगर फर्टिलिटी ब्लेसिंग के अंदर जो मैंने शडाई का मतलब बयान किया है वो ब्रेस्ट के हवाला से, परविश के हवाला से, फर्टिलिटी ब्लेसिंग के हवाला से, यानी अब्राहम इजहाक याकूब को ये बरकत खानदानी दी जाती है, और हर चीज पे ब्लेस किया जाता है जिससे इसराइल वकूक के अंदर आता है, और फिर आगे उसकी शक्ल जाकर मसीह के जरिए से जो कलीसिया की बनती है क्रिस्टोलॉजी के अंदर। एल शडाई का मीनिंग, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। फर्स्ट टाइम बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, अहम रेवलेशन पास्टर साइमन जो यावे एल शडाई के हवाला से, यानी ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड खुदा कादर, यानी खुदा कादर मुतलिक, और इसका मीनिंग जो एल शडाई का जो फिडेलिटी ब्लेसिंग के अंदर मैंने बताया कि अब्राहम इसहाक याकूब को बरुमंद किया, बरकत दी, और ये बादशाहों की बरकत, औलाद की, कौमों की ब्लेसिंग जो है, तो ये जो एल शडाई का मानी हिब्रू उसके मुताबिक, पर जो इंग्लिश मानी ऑलमाइटी गॉड, तो रूट यही है कि वो कादिर है सब चीजों का, यानी बरकत देने पे कादिर है, उसके नजदीक कोई बात मुश्किल है, यही सारा से बात की, यानी वो जो कहता है वो पूरा करता है, और सारा ने शुक्र गुजारी की कि वो जो कहता है पूरा। तो ये पौलुस ने चौथे बाप के अंदर ये बात कही, अब्राहम ईमान लाया और ईमान में ज़ईफ नहीं हुए, तो वो जो 99 वर्ष का था तकरीबन 100 ईयर्स का, और सारा 90 साल की, तो वो ऑलमाइटी गॉड को, वो एल शडाई खुदा पर ईमान ले आई कि वो खुदा कादिर है, यानी हर चीज वकूअ में आती है, और यही वजह है कि उस बुढ़ापे के अयाम में वहां इजहाक पैदा होता है। ये उनकी अपना जोर नहीं, अपनी कुवत नहीं, अपनी सोच नहीं, अपनी ख्वाहिश नहीं, वो वादा, वो कोविनेंट, यानी एल शडाई पर ईमान कि वो बरकत देता है। आज भी जो खुदा की जात के ऊपर थ्रू क्राइस्ट ईमान रखते हैं वो बरकत पा जाते हैं, और जो बुराए नाम एक जिंदगी बसर करते हैं तो वो इन चीजों से खाली रह जाते हैं। तो अब्राहम इजहाक याकूब, इन तीनों के ऊपर मूसा को यहोवा ने कहा कि मैं उनके ऊपर खुदा कादिर मुतलिक के तौर पर जाहिर हुआ हूं, यहोवा नाम पे नहीं, यानी यहोवा नाम का इजहार वो मूसा के ऊपर होती है बात, मगर यहां पर इनको कौमों की बरकत के लिए, खानदानी बरकत देने के लिए, इसलिए याकूब के 12 आप देखें कि बेटे कबीले उसे वकूब में आते हैं, और ये ब्लेसिंग अब्राहम के साथ, अब्राहम ईमान लाया और अब्राहम से कहा कि चल कामिल हो, यानी मेरे साथ चलेगा, मैं कामिल करूंगा अगर तू एल शडाई मुझे कादर मुतलिक मानता है, ईमान ले आता है, और वो ईमान लाया, वो कादर मुतलिक है। तो जब हम कलाम हुआ वो उस वक्त ईमान लाया, रासबाजी
गिना गया, अब दिखाई दिया और कहा मैं एल शदाई खुदा हूं, यानी कादर मुतलक हूं, मैं सब चीजों पे कादर हूं, यानी जितना यूनिवर्स बना है ये कादर मुतलक है, वो कादर है, ये उसकी कुवत है, कुदरत है, वो पावरफुल गॉड है, और दुनिया का कोई माबूद उन दिनों के अंदर या आज तक और कोई मजाहब के अंदर, कोई बुतों के अंदर, माबूदों के अंदर कोई पावरफुल गॉड नहीं है, वो जो एल शदाई खुदा है, वो जो कादर मुतलक खुदा है, तो यहोवा एल शदाई खुदा है, और अब्राहम इज़हाक की बरकतों के अंदर कादर मुतलक की बरकत हमें दिखती है। और जब हम क्रिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो जिस तरह हम एलोहिम की बात करते हैं उसमें फादर सन होली स्पिरिट, तो जब बाप खुदा कादर है तो बेटा भी, और यही यशाया 9वें बाप के अंदर प्रोफेसी आई कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, उसका नाम अजीब मसीह, आगे खुदा कादर। तो जब खुदा कादर अब्दियत के बाद सलामती का शहजाद, तो जब इसमें यह ना आया कि खुदा कादर, तो यह कादर मुतलिक, यानी बेटा भी कादर मुतलिक, ऑल माइटी गॉड। तो जब ऑल माइटी गॉड है तो अब्राहम इज़हाक याकूब के ऊपर पेट्रोलॉजी के अंदर, थियोलॉजी प्रॉपर के अंदर जो बात हम सीख रहे हैं, वहां तो कादर मुतलिक बरोमंद किया, कौमों का बाप, खानदान, हर तरह की ब्लेसिंग दिखाई, और हमें मिलती है कि वो खुदाए कादर जो उसे कहा वही कुछ हुआ, और इज़राइल नेशन वकूक के अंदर आई, अब्राहम इज़हाक याकूब, तीनों की बरकत हमें मिलती है, और इज़हाक याकूब को बरकत देता है, और वो भी एल शदाई में बरकत देता है कि कादर मुतलिक तुझे बरकत दे। याकूब को कहा गया जब उससे कुश्ती लड़ी गई, तेरा नाम इज़राइल होगा। आप देखिए अब्राहम का नाम अब्राहम चेंज किया गया, सारी का नाम सारा चेंज किया गया, ये बताया मैं कादर मुतलिक हूं, मैं बरकत देने वाला हूं, और वो नाम चेंज करके फिर बताता है कि ऐसा ही होगा। तो इज़राइल को बरकत दी, और ये साथ कहा 35 बाब पैदाइश की किताब के अंदर याकूब से कि तेरा नाम इज़राइल है और मैं खुदा कादर मुतलिक हूं, यानी मैं कादिर हूं, तुझे कह दिया कि तू इज़राइल, तो इज़राइल वकूक के अंदर नेशन आती है, और आज तक ये ब्लेसिंग चलती आ रही है, वो आज के उन इज़राइल लोगों की वजह से नहीं, अब्राहम इज़हाक याकूब की बरकत चल रही है, वो अपने अहद से मुकरता नहीं है, उसने कसम खाई है अहद के साथ, और दो बेतब्दील चीजों का बदलना नामुमकिन है, उसने जो कोविनेंट बांध लिया, और अब्राहम इज़हाक याकूब को कादर मुतलिक के ऊपर जाहिर हुआ, और जब कौमों का बाप कहा और फिर कौमों ने बरकत पाई, तो आज कौमों ने बरकत मसीह के वसीले से पाई, और पालूस ये मुकाशवा देता है कि ग्रंथियों के खात्मे के अब्राहम की नस्ल मसीह ठहरा। अब्राहम जब कौमों का बाप है तो मसीह की वजह से वो कौमों का बाप, यानी गैर कौमें भी यीशु के वसीला से, जो अब्राहम के सुलभ से आ रहा है, जो याकूब के बेटे यहूदा के नस्ल से आ रहा है, तो गोया जो वादा किया गया है कौमों का, तो ये मसीह में किया गया है, तो वो नस्ल मसीह ठहरा। तो आप देखिए कि अब्राहम इज़हाक याकूब के ऊपर जो ये एल शदाई के तौर पर आया है, बात की गई है, और ये बरुमन की बरकत ये मसीह तक आ रही है, और ये चर्च वकूक के अंदर आ गया है। इसलिए बाइबल में लिखा कि मैं जब यशायाह 9वें बाब में ये लिखा कि हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, तो उसके नामों में खुदा कादर, यानी वो कादे मुतलिक है। जब कादे मुतलिक है तो इसका मतलब है कि कलीसिया वकूक के अंदर आएगी, जिस अब्राहम इज़हाक याकूब से इज़राइल वकूक के अंदर आया, अब मसीह के जरिए से कलीसिया वकूक के अंदर आएगी। तो ये एल शदाई के माने के अंदर, यानी कादे मुतलिक ऑल माइटी गॉड के अंदर, जिस तरह पेट्रोलॉजी के अंदर बाप यहोवा कादे मुतलिक है, इसी तरह पास्टर साइमन ब्लीवर्स बाइबल स्टूडेंट क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट जो 9वें बाब यशायाह में लिखा है, खुदा कादर यानी कादर मुतलिक ऑल माइटी गॉड यानी एल शदाई खुदा है, क्राइस्ट भी एल शदाई खुदा है जो बरकत देता है, और ये बरकत चर्च की वकूक के अंदर आई है। दुनिया ने मसीह के खून के वसीला से, कफारे की वजह से नजात पाई है, और एक कलीसिया चर्च बिलीवर वकूक के अंदर आए हैं, और ये खुदा के लिए पालिक बेटे बेटियां हैं। यानी आप देखिए कि जो ऑलमाइटी गॉड की ब्लेसिंग अब अब्राहम इज़हाक याकूब से आगे आई, और क्राइस्ट के तजस्सुम और मन्ने और जी उतने में हमें नजर आ रही है, ये कलीसिया वकूक के अंदर आती है। तो अब्राहम कौमों का बाप ठहरा, जो मसीह के वसीला से जो गैर कौमों ने निजात पाली।
तो ये नाम जो रखा गया ये पहले ही बता दिया गया कि वो खुदा कादिर है, यानी कादिर मुतलिक है, ऑल माइटी गॉड है, वो बचाएगा, बरकत देगा कौमों गैर कौमों को, और वो वकू में आई है क्योंकि ये कोविनेंट अब्राहम से बांधा गया था एल शेडाई का, तो बेटा भी एल शेडाई है, कादिर मुतलिक है, उसने बचाया छुड़ाया और अपनी तख्त के ऊपर बिठाया है, वो जो कुछ कहता है वो वकू के अंदर आता है, और अपनी मिनिस्ट्री के अंदर भी जो जो मौजदा जो जो कुछ कहा वो वकू के अंदर आया, पूरा हुआ, और यही कादिर मुतलिक का है कि वो कादिर होता है, ओमनीपोटेंट, वो अनलिमिटेड पावर रखता है, वो हर चीज के ऊपर कादिर है, जो कहता है वो हो जाता है, हर चीज पॉसिबल है, यहवा के सामने भी, जो फर्स्ट पर्सन में भी और सेकंड पर्सन के अंदर, खुदाए कादर यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो भी ऑलमाइटी गॉड है, यानी एल शड्डाई, क्योंकि ये यशायाह 9वें बाप में आया है खुदाए कादर, तो खुदाए कादर में क्राइस्ट यही नाम से हमें प्रोफेसी के अंदर मिलता है, यानी ये बरकत देगा, और बरकत वो वकू में आती है, और जब क्राइस्ट का तजस्सुम होता है और जबराइल आकर मैसेज देता है मरियम को, तो मरियम फिर जो प्रोफेटिक प्रेयर करती है, शुक्रगुजारी करती है, बिल्कुल उसमें ये बात कहती है कि मेरे खुदा ने जो कादिर है मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, वो कादिर खुदा है, उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, तो बड़े काम के अंदर यानी इज़राइल को निजात दी, उसे निजात दी, उसने ये कहा मेरी रूह मेरे मुंजी खुदा मुझसे खुश हुई, और प्रोफेटिक प्रेयर शुक्रगुजारी में वो उसे कादिर मुतलिक कहती है, यानी बाप को भी, और जो ब्लेसिंग आई है कादिर मुतलिक थ्रू उसके इज़राइल निजात पा गया है, यानी अच्छी चीजों से असुदा कर दिया कि मेरे खुदा ने मेरे कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, तो वो कादिर मुतलिक के तौर पर यानी एल शड्डाई को प्रोफेसी के अंदर बयान कर रही है कि जो पैदा होने वाला मसाया खुदा का बेटा जो जिस्म लेगा मरियम से, तो लिखा है कि उस कादिर ने यानी कादिर मुतलिक ने यानी एल शड्डाई खुदा ने यानी वो मरियम के ऊपर एक कुमारी ये नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाया गया है कि वहां से क्राइस्ट पैदा होता है, वो तो पैदा तो अजल से है मगर जिस्म वो लिया गया, तो ये कादिर मुतलिक ही कर सकता है, और मरियम जो शुक्र गुजारी करती है ये कादिर के तौर पर कादिर मुतलिक के तौर पर ऑल माइटी गॉड का वो भी मुकाशफा रखती है। फिर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री के अंदर फिर आप देखिए कि चूंकि वो खुदा कादिर है, वो कादिर मुतलिक है, ऑल माइटी गॉड है, खुदा का बेटा, तो उसी तरह जो जो वो कहता कलाम वो वकू के अंदर आता, और जब उसके कलाम की बात है वो तो कलाम खुद ही और कलाम तजस्सुम के अंदर आ गया, जब ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर वो कलाम की सूरत में बाप के अंदर है, तो खुदा ने कलाम के जरिए से सारी कायनात को बनाया, और उस कलाम को आप सॉफ्ट भी देखते हैं, खुदा गरजता भी है बोलता भी है, और हिजकिय्याह 10वें बाप में जब हम क्रोबीम की बात करते हैं सराफीम की जो तख्त को उठाते हैं, तो लिखा है उनके परों की सदा ऐसी थी आवाज जैसे जो कादिर मुतलिक कलाम करता है, यानी वो थंडर वो गर्जना वो बिजलियां यानी उसके कलाम में से, तो ये वहां पर बयान किया गया है कि जो एल शड्डाई खुदा है जब वो कलाम करता है चूंकि वो अपने बात पे पूरा उतरता है, जो कहता है हो जाता है, वो गरजता है कहता है वकू के अंदर आया है, तो उसकी आवाज में कुदरत है, उसकी आवाज में गरजता है, वो गरजता है, मगर क्राइस्ट यहां तजस्सुम के अंदर आ गया है, यहां बोलता है और जो कुछ कहता है वो वकू के अंदर आता है, जिसको निजात देता है वो निजात पा जाता है, जिसको शिफा देता है शिफा पा जाता है, अंधों की आंखें खोल देता है, बैरों के कान खोल देता है, जो लंगड़े हैं हड्डियों की माने चोकड़ियां भरते हैं, जो मुर्दे हैं वो जी उठते हैं, तो ये एल शड्डाई खुदा की इस एट्रीब्यूट के अंदर नेचर के अंदर जो अब्राहम के ऊपर भी जाहिर जब यहवा होता है कादिर मुतलिक, तो इज़राइल के ऊपर यीशु मसीह खुदा का बेटा जो बेटा है तो सन है, मगर नेचर के अंदर जब वो काम कहता है होता है तो ये एल शड्डाई यानी कादिर मुतलिक के तौर पर वो बरकत देता है और निजात और शिफा वकू के अंदर आती है, और फिर वो कहता है कि इस मकदस को उठा दो तो मैं 3 दिन में बना दूंगा इसे खड़ा कर दूंगा, यानी वो अपनी मौत अपना जी उठना वो जानता है पहले ही बताता है तो वो हो जाता है, तो जो कहता है वो पूरा होता है, और
क्रॉस के ऊपर जब सेवन सेइंग कही जाती है, इट इज फिनिश, आप पास्टर साइमन ये मुकाशवा देखिए कि ये पूरा हुआ सब कुछ, तो ये एल छदाई के तौर पर, ये कादर मुतलिक के तौर पर ये नारा मारा गया है, ये खुशी का इजहार किया गया है कि वो जो कहता है, जो कहा गया है, जो नविश्तों के अंदर, प्रोफेसीज के अंदर नबियों ने जो कलाम हुआ है वो पूरा हुआ है और दुनिया के लिए कफारा दे दिया गया। और मैं, आप और टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के बिलीवर जो मसीह पर ईमान रखते हैं कि उनके गुनाह माफ हुए, पाक है, होली है, वही तो फेलोशिप करते हैं। और जब ऑनलाइन हम स्टडी दे रहे हैं, ये सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, ये डिग्री हासिल करें, तालीम हासिल करें, कलीसियाओं में रिफाकत करें, गवाही दें, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि वो अपना आप इजहार करता है और तालीम के जरिए खादमों को इस्तेमाल करता है। और मैं, आप ट्यूजी चैनल के बरजो सिंह टाइम में टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया के अंदर, संडे सर्विस के अंदर, बाइबल स्टडी के अंदर और हर तरह से जहां जहां खुदा हमें लेके जाता है, ये बात कर रहे हैं खुदा की जात के बारे में, उसके बेटे की बाबत, पाक रूह की बाबत, ताकि जिंदगियां मसीह को, खुदा को जान जाए, बरकत हासिल कर जाए। तो बाप भी ऑलमाइटी गॉड है और उसका बेटा भी, जो कहता है तो वो मर गया, मुर्दों में से जी उठा। तो जब जी उठता है तो जी उठने से पहले वो एक बात कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद है, जाऊंगा तो होली स्पिरिट को तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो जब वो आसमान पे जाता है तो पहला काम ही लिखा है, बाप के दाहिने हाथ बैठता है और होली स्पिरिट को कलीसिया के ऊपर भेज देता है और कलीसिया रूह कुदस से भर जाती है, मामूर हो जाती है, टंग्स बोलती है, प्रोफेसीज करती है, नेमतों से मामूर हो जाती है। और आज कलीसिया के अंदर मैं, आप होली स्पिरिट की वजह से नजात और खिदमत पा गए हैं और नेमते हमारे अंदर है, उसने कलाम हमें दिया है, जोर दिया है कि उसकी खिदमत को सर अंजाम दे। तो ये वादा जो क्राइस्ट ने भी किया था, तो ये ऑलमाइटी गॉड के तौर पर, क्योंकि वो खुदा कादिर है, जो उसने कहा वो पूरा किया, यानी मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिने हाथ बैठा, होली स्पिरिट का कहा तो होली स्पिरिट भेजा और वो हमारे अंदर है, उसने हमें नेमते अता की है, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया के अंदर ब्लेसिंग है। और जैसे गोल्डीनेस की सीरीज हम प्रीच कर रहे हैं और दीगर इससे पहले भी, आइंदा भी, और तमाम टेम्पल ऑफ गॉड के खादम, मुकदस फैमिलीज और दुनिया के खादम, दुनिया के ईमानदार जो होली स्पिरिट को जान गए हैं, ये वादा पूरा हुआ, ये ऑलमाइटी गॉड की वजह से। ये जो बाप जिस तरह कादर मुतलिक है, बेटा भी कादर मुतलिक है, यानी एल शड्डाई खुदा, तो इसमें जो वो कहता है पूरा होता है। तो कलीसिया की बरकत के लिए उसने होली स्पिरिट हमें दिया, अब वो आने वाला है कलीसिया को लेने के लिए। तो मैंने बताया कि एल शड्डाई का मानी एवरलास्टिंग के अंदर भी आता है, यानी अब्दियत के अंदर आता है, अजल अबद के अंदर आता है, यानी वो जमानों के ऊपर कादिर है, वक्तों के ऊपर कादिर है, एंडलेस टाइम, अजल और अबद, फ्यूचर जो अनलेस टाइम है वो हर जमाने के अंदर। और मुकाशवा पहला बाप आठवीं आयत में यही पढ़ा गया, वो जो था, है और आने वाला, यानी कादर मुतलिक, यानी कादर मुतलिक जो था, है, आने वाला। तो इसमें बाप का भी बेटे का जिक्र के किस तरह उसने खिदमत की, और आने वाला इसका मतलब जिस तरह उसने कहा कि वो अपनी जान कुर्बान करेगा, जिस तरह कादर मुतलिक ने कहा कि तजस्सुम के अंदर वो अपने बेटे को भेजेगा, तो भेजा। फिर कादर मुतलिक क्राइस्ट ने, एल शड्डाई खुदा, खुदा के बेटे ने अपनी जान देने के बारे में, जी उठने के बारे में कहा, वो पूरा हुआ, होली स्पिरिट के बारे में पूरा हुआ। फिर ये भी कहा कि वो आएगा और कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। तो जब आएगा तो ये सेकंड कमिंग के हवाले से बाइबल में पहले ही बात कह दी गई, तो वो भी पूरी होगी क्योंकि कादर मुतलिक ने कहा, कादर मुतलिक का कॉल है, तो कादर मुतलिक जो कहता है वो कुक के अंदर आता है। तो ये अब्राहम, इसहाक, याकूब के ऊपर, मरियम के ऊपर, और फिर हमें क्राइस्ट की जात, वो जो कादर मुतलिक ऑलमाइटी गॉड है, ये नजर आता है। और उसमें मुकाशवा में यही कहा गया जो था, है और आने वाला है। तो जिस तरह उसने अपनी जान कुर्बान की, तजस्सुम में आया, दुनिया को कफारा दिया, वो अब्राहम, इसहाक, याकूब की बरकत जो कादर मुतलिक ने दी, अब कादर मुतलिक खुद तजस्सुम के अंदर आया है, यानी खुदा कादर उसका नाम, यशायाह 9 बाब के मुताबिक। और यही क्राइस्ट ने जी उठने के बाद ट्रांसफॉर्म बॉडी के अंदर जब वो थ्रोन के ऊपर बैठा है, ये बात की गई जो था, है, आने वाला है। तो
तो इसमें आप देखिए कि वो आने वाला ये भी बात पूरी होगी और कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। इसलिए कादर मुतलिक एल शदाई खुदा का यावे एलोहिम का, अब हम कहेंगे क्राइस्ट एल शदाई का, हमें पता होना चाहिए कि वो भी कादर मुतलिक है। और होली स्पिरिट भी जो हमें दिया गया कलीसिया के अंदर, ये भी अजल से अबद तक गॉड के अंदर है, जिसका नाम खुदा का नाम यहोवा है। और जब अपना इजहार करता है तो फर्स्ट पर्सन के अंदर भी एल शदाई, और जब आप सेकंड पर्सन क्राइस्ट के अंदर तजस्म के अंदर वो भी एल शदाई, उसका नाम कादर मुतलिक होली स्पिरिट भी लिखा है अब तक। और होली स्पिरिट खुदा की कुदरत जो डिवाइन पार है वो हमारे अंदर है, और जो वो कहता है वो वकू के अंदर आता है। इसलिए तो मसीह ने कहा कि वो रूह कुदरत की कुदरत से कुवत से मौजाद करता है, और ईमानदारों के लिए भी कहा गया कि जब रूह कुदरत तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुवत पाओगे। और पत्रस के खत के अंदर लिखा है कि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो दीनदारी के हवाले से थी हमें अता कर दी है। और ये डिविनिटी जो है, ये पावरफुल गॉड की जो नेचर है, सिफात है, वो सारी कलीसिया को होली स्पिरिट के जरिए से अब दे दी है। होली स्पिरिट का ऑफिस कलीसिया में है, हमारे अंदर वो रहता है, इसलिए उसके ताबे रह के उसके जोर में हमें जिंदगी बसर करनी है। यानी एल शदाई ऑलमाइटी गॉड कादर मुतलिक खुदाए कादर जो कहता है वो पूरा होता है, पहली बात। और जब उसने कहा चल और कामिल हो, यानी वो ही परफेक्ट करता है उसके साथ चलने से, और परफेक्शन होलीनेस में आती है। और इब्रानियों के खत में लिखा कोई पाकीजगी के बगैर खुदा को नहीं देखेगा। तो क्राइस्ट के ब्लड से पाकीजगी, उसके कलाम को पढ़ने से पाकीजगी मिलती है, होली स्पिरिट हमें पाक करता है ताकि कादर मुतलिक जो पाकीजगी मांगता है परफेक्शन, इसलिए हमें कामिल होना है। और पौलुस रसूल यही तो कहता है कि वो दौड़ा हुआ जाता है ताकि कामलियत की तरफ बढ़े, कामिल हो। तो वो कामलियत यही है कि परफेक्शन की तरफ। तो ये कादर मुतलिक के ऊपर फोकस करने से बाकी जितनी बातें बरकतें कलीसिया को ईमानदारों को वो देना चाहता है, वो अब्राहम से जान जाए, इजहाक से समझ जाए, याकूब से समझ जाए। मसीह ने दुनिया को निजात दी है, और पौलुस इस मुकाशवा को कहता है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें क्यों ना देगा, सफिशिएंट, वो काफी है हमारे लिए। और यही ये बात लिखी गई है जो ध्यान करना है, जिसके ऊपर के वो हमारे ख्याल से बढ़कर हमारे लिए कर सकता है, यानी वो काफी है हमारे लिए, हम सोच भी नहीं सकते वो, क्योंकि वो कादर मुतलिक है, वो हर चीज देता है। इसलिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो एल शदाई का मुकाशवा रखें, यानी अब बाप एल शदाई से, यीशु मसीह जो एल शदाई कादर मुतलिक है, होली स्पिरिट में जब मांगेंगे तो मिलेगा। तो इन चीजों का मुकाशवा अपनी बरकत के अंदर, कसरत की बरकत में ले, एवरलास्टिंग के मानी के अंदर ले कि वो अल्फा और ओमेगा है। और यही लिखा मुकाशवा में, वो जो था है आने वाला, यानी कादर मुतलिक, आगे लिखा अल्फा ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा। तो वो हर चीज वक्तों के ऊपर कादर है, हर चीज के ऊपर कादर है, सब कुछ देता है। तो पेट्रोलॉजी और क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो एल शदाई का मुकाशवा है, ये बरकतें हमारी है। उसकी वर्शिप करें, उसके साथ चले, उसके नाम के ऊपर गौर करें कि वो अब थ्रू क्राइस्ट उसने अपने बेटे को भेजकर हमें हर तरह की बरकत दे दी है, नजात। तो पौलुस कहता है जब बेटा दे दिया तो बाकी चीजें क्यों ना देगा, और जब मांगेंगे तो वो हमारे ख्याल से भी बढ़कर काम करता है, क्योंकि वो ऑलमाइटी गॉड है, एल शदाई खुदा है, यहावे एल शदाई यानी ऑलमाइटी गॉड है। और उसकी मुकम्मल पहचान हो, मुकम्मल समझ हो, और लायक तरीके से उसकी वर्शिप करें, उसके साथ चले। जब उसने कहा चल और कामिल हो, हमें भी चलना है और कामिल होना है, जिसके लिए होली स्पिरिट हमें दिया गया। तो पर सेवन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, यहोवा एल शदाई की तालीम को, ऑलमाइटी गॉड की तालीम को, खुदा कादर मुतलिक की तालीम को समझता हुआ रिजर्सिंग टाइम में डीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की आयत के साथ, ए खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चिल्ला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जनाज़न उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि यहोवा एल शदाई के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्राउन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे, और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्राउन 2024 से न्यू सीरीज का आगाज किया है
जो कि गॉडलीनेस के हवाले से है, इससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को मिलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिल की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कॉमन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरे खादम भी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है 0300-9476-405 पर स्टूडेंट्स राबता कर सकते हैं और इस पर अपना नाम पता भेजकर वो रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद वो बीटीएच की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।